हेलो गुड इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को ये तो आपको पता होगा कि हम लोग सर्किल पढ़ रहे हैं पिछले 4 या 5 दिन से, और आज ये जो अपनी होगी सर्किल की लास्ट क्लास होगी। इसमें सर्किल के हम लोग जो कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पॉलीगन्स के बारे में, और फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी हमारी उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिस जिस टाइप के, थ्योरी समझाते समय आपको पता है क्वेश्चंस थोड़े से मैं कम करवाता हूँ। अब क्वेश्चंस पढ़ते टाइम आप लोग उस थ्योरी को रिवाइज करोगे, जिस दिन मैं जैसे डेली आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाऊँ आपको पीछे से थ्योरी जितनी भी है उसको आप लोगों को रिवाइज करना है। फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी डेली 10 मिनट, ज़्यादा नहीं टाइम देना। मैंने कहा था साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, और जो नोट्स आपको बनाए हैं उसमें बैठ बैठ कर लिख लिख कर रटना नहीं है आपको। जब क्वेश्चंस करने हों उसे 10 मिनट पहले, 10 मिनट में उस थ्योरी को कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए आप लोग। तो अब आज सर्किल के कुछ पॉइंट्स जो बचे हुए थे, जैसा आप लोगों को पता है कि कल इवनिंग में अगर आपने मेरा वीडियो देखा है जो कल शाम को 6 बजे आया था, तो आप लोगों को ये पता होगा कि हम लोग 3 पॉइंट, हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे थे टेंजेंट्स पर बेस्ड, वो 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगला पॉइंट मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास वो इस प्रकार से है, और इस पॉइंट को मान लो डी पॉइंट हम लोग नाम दें। तो एक बात ये ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा इस प्रकार से अगर कोई भी सेमी सर्किल है, इस प्रकार से कोई भी अगर सेमी सर्किल है उस पर 2 सेमी सर्कल और बना दिए जाएं, कोई सेमी सर्कल है इस पर 2 सेमी सर्कल, 2 अर्धवृत्त और बना दिए जाएं, इस प्रकार से 2 अर्धवृत्त और बना दिए जाएं 2 सेमी सर्कल, तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बनेगा, उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। यहाँ एक सर्कल ऐसा बने जो इन तीनों को टच अगर करे, यहाँ अगर एक ऐसा सर्कल बने जो इन तीनों को टच अगर करे तो इसकी रेडियस आप लोग बताइए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी अपने पास सेमी सर्कल है, कोई भी अपने पास अर्धवृत्त है, इस प्रकार से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी अर्धवृत्त है और इसकी रेडियस पर, यहाँ तो 1 सेमी सर्कल बना है, इसकी रेडियस पर 2 सेमी सर्कल अगर बना दिए जाएँ इस प्रकार से, इसकी रेडियस पर 2 सेमी सर्कल बना दिए जाएँ, तो अपने पास यहाँ पर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछ लिया जाए। क्या बताया मैंने, मैं आपको आज की क्लास में अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेमी सर्कल पर अगर यहाँ से यहाँ पर 3 वृत्त अगर बना दिए जाएँ, 3 वृत्त अगर बना दिए जाएं इस प्रकार से, इसकी रेडियस पर इधर भी 3 और यहाँ पर फिर हम लोग एक सर्किल बनाएं जो इनको अगर टच करे तो उसकी रेडियस क्या होगी, ऐसा अगर हम लोग उसे पूछ लिया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कोशिश करना समझने की। यहाँ पर इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है ऐसा, अगर कभी भी कोई पॉइंट है यहाँ पर अपने पास, तो इसकी रेडियस अगर आप लोग आर मानोगे, तो ध्यान रखना ये जो रेड कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसकी रेडियस स्मॉल आर जो है, तो स्मॉल आर जो होगा वो होगा r/6। इसका डायमीटर हम लोगों ने क्या किया, आर मान लिया, तो ये जो होगी इसकी रेडियस ये r/6 होगी। क्यों, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ये यहाँ से यहाँ तक आर अगर है तो ये अपने पास होगा r/2, और ये अगर अपने पास r/2 है तो ये जो छोटे वाला सर्कल इसका डायमीटर r/2 आ गया, या इसको r अपने पास यहाँ पर ab/6 भी आप लोग लिख सकते हो, ab/6, या ab को एक बार r मान रहे हम लोग, कोशिश करना समझने की। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा अपने पास ये होगा r/4, ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक दोनों सर्कल यहाँ पर टच कर रहे हैं, ये इसकी रेडियस तो r/4 है और इसकी रेडियस है स्मॉल r। ध्यान देना आप लोग और कोशिश करना समझने की, ये O से B तक अगर r/2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास r/2 होगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये भी अपने पास r/2 होगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, और ये अगर r/2 है और ऊपर वाला अगर r है तो नीचे वाला ये जो पॉइंट बचा यहाँ से यहाँ तक, ये अपने पास बचा r/2 - r, ये r/2 है, इधर वाला ये भी r/2 होगा, ये ऊपर वाला अगर r है तो ये जो पॉइंट बच गया अपने पास, ये पॉइंट बच गया r/2 - r। अब आप लोग कोशिश करना समझने की, ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक टोटल r/2 था, तो इसकी रेडियस, ये जो सेमी सर्कल बना छोटे वाला, इसकी रेडियस होगी r/4। तो अब हम लोग लिख सकते हैं ये वाली जो साइड है वो r/4 है, कोशिश करना समझने की कैसे आया, r/2 r/4, ये वाली साइड है r/4 + r, ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक r/4 + r,
और ये वाली है r बाई टू में से r माइनस कर देंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं r बाई टू माइनस r का स्क्वायर प्लस r बाई फोर का स्क्वायर बराबर r बाई फोर प्लस r का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, कैसे है वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ गया आर स्क्वायर बाई फोर प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आर इंटू आर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये जो है अपने पास आर बाई फोर का स्क्वायर, यहाँ पर यह आगे आ गया आर बाई फोर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर बाई टू। याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी को इंटू करोगे तो अपॉन में फोर है, टू से टू कट जाएगा, ये आ गया आर बाई फोर के स्क्वायर से आर बाई फोर का स्क्वायर कट जाएगा ये वाला, है ना, कंप्लीट होल स्क्वायर है, और आर स्क्वायर से अपने पास आर स्क्वायर कट जाएगा, और सभी जगह से आर कॉमन आकर अगर काट दें तो यहाँ बचेगा आर बाई फोर, यहाँ बचेगा ओनली आर, और यहाँ बचेगा आर बाई टू। कैपिटल आर सभी जगह से कॉमन लेकर काट दिया जो बचा था उसमें से, ये इधर जाएगा तो आर बाई फोर, और ये आर उधर जाएगा तो थ्री बाई टू आर हो जाएगा एड ओके, दो से कट जाएगा दो बार, और तीन नीचे आ गया तो आर बराबर आ गया कैपिटल आर अपॉन थ्री नीचे आएगा तो सिक्स, यही हमें प्रूव करना था आर बराबर ए बी बाई सिक्स। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, कई स्टूडेंट अगर आर इसको मानते हैं, अगर ओ से बी तक को आप लोग कैपिटल आर मान लो, अलग से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आर मान लो तो फिर स्मॉल आर जो होगा वो होगा आर बाई थ्री, इसका वन थर्ड होता है टोटल का, तो ये वन सिक्स्थ होता है, ए बी का तो वन सिक्स्थ होता है, और इसका होता है ये आर बाई थ्री, आप लोग ध्यान रखना। अब आप लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, देखिए या आपने लिख लिया होगा या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, कंप्लीट है, याद ये रखना है अगर कैपिटल आर यहाँ पर ए बी है तो स्मॉल आर होगा ए बी बाई सिक्स, इसकी रेडियस अगर आर मान लेते हो कभी कोई स्टूडेंट तो ये होगा आर बाई थ्री, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है अपने पास कितने भी सर्किल आ जाएं, इसका जो फॉर्मूला होगा अपने पास, इसकी रेडियस अगर आप लोग मानते हो कैपिटल आर बड़े वाले की, बड़े वाले की रेडियस अगर आप लोग कैपिटल आर मान लो, बड़े वाले की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर अगर मान लो तो ये इसकी जो रेडियस होगी स्मॉल आर, ये होगी आर बाई थ्री, ए बी का तो वन बाई सिक्स होता है और इसका होता है वन थर्ड। इसका जो फॉर्मूला अपने पास रेडियस निकालने का फॉर्मूला वो होता है एन आर अपॉन टू एन प्लस वन, एन यहाँ पर है नंबर ऑफ सर्किल ड्रॉन ऑन लार्जर सर्किल, एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है ये, एन बराबर नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स ड्रॉन ऑन रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स है ड्रॉन ऑन रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, यहाँ पर लार्जर सर्कल की जो सेमी अपने पास रेडियस है लार्जर सर्कल की, उस पर एक अगर सर्कल बनाया तो यहाँ n की वैल्यू एक रखोगे तो r, n की वैल्यू एक रखोगे तो टू प्लस वन, टू इंटू वन प्लस वन, तो आंसर आ गया r बाई थ्री। फॉर्मूला ध्यान रखना मैं क्या समझा रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने लिख ली होगी, मैं एक पॉइंट आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक पॉइंट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से हो, यहाँ पर मान लीजिए अपने पास दो सर्किल इस पर बना दिए इस प्रकार से, और इसकी रेडियस अगर पूछ ली तो कैपिटल आर, अगर ये कैपिटल आर है तो फॉर्मूला में लिखवा चुका हूँ एन आर अपॉन टू एन प्लस वन, आर यहाँ पर कैपिटल बड़े वाले वृत्त का जो त्रिज्या है, तो एन की वैल्यू अब की बार दो रखोगे, रेडियस पर कितने सर्कल हैं चार मत रख देना, गलती मत कर देना, तो टू इंटू आर अपॉन टू प्लस टू इंटू फोर, फोर प्लस वन, टू इंटू टू फोर, फोर प्लस वन, आंसर ये आ गया छः हो। तो इस प्रकार से घर पर बैठे किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है कि सर पाँच हो तो वो ज़्यादा आसान होगा, ये क्वेश्चन आपके वैसे ही बनाए दिमाग में, अगर पाँच बन जाए यहाँ पर इस प्रकार से सेमी सर्कल के अंदर पाँच बन जाए, एक दो तीन
चार और पाँच, इसका सेंटर अगर यहाँ पर है और अब यहाँ पर अगर सर्किल हो तो ये तो ज़्यादा आसान हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक तो अपने पास आर है, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक अपने पास आर है, इसमें से यहाँ तक की जो रेडियस है वो आप लोग माइनस कर दीजिए, पहले वाले की रेडियस माइनस कर दो तो सिर्फ ऊपर वाले की रेडियस अपने पास बच जाएगी, स्मॉल आर अपने पास बच जाएगा। इसकी रेडियस जो होगी प्रत्येक अपने पास सेमी सर्कल कितने हैं, टोटल आर अपने पास है तो टोटल सेमी सर्कल अपने पास पाँच, तो एक की आप लोग यहाँ से यहाँ तक की रेडियस निकाल लो, एक इसके दो रेडियस होंगी, दो इसकी भी अपने पास कितनी होंगी, दो यहाँ पर क्योंकि डायमीटर है ना, दो दो चार दो छः दो आठ और दो दस, तो आर में भाग दे दो आर बाई टेन का, तो टोटल में से ये नीचे वाले इसकी रेडियस माइनस कर लेना, ये आर बाई टेन आनी है, आर बाई टेन इधर आएगी, आर बाई ये इसी प्रकार से आएगा कंप्लीट, क्योंकि अपने पास आर बाई फाइव हो गया डायमीटर, पाँच सर्किल हैं तो आर बाई टेन, तो टोटल आर में से आर बाई टेन माइनस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो वो आसान होता है, एकदम आसान, अगर पाँच सात नौ आ जाएँ तो। दिक्कत तब आती है जब सेमी सर्कल आ जाए, अपने पास दो आ जाएँ, चार आ जाएँ इस पर, या छः आ जाएँ, या आठ आ जाएँ, या दस आ जाएँ, या बारह आ जाएँ, एन का मान नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स ड्रॉन ऑन लार्जर सर्किल, ये आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट समझाता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट पॉइंट जो है कोशिश करना समझने की, इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना, दो सर्किल अपने पास हैं जिसकी रेडियस अपने पास पहले वाले की रेडियस ए है और दूसरे वाले की रेडियस बी है, और एक दूसरे को पॉइंट पर टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इस वाले की रेडियस अपने पास बी है। ध्यान देना आप लोग, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच दी जाए, एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर खींच दी जाए और यहाँ पर एक सर्किल बनाए जिसकी रेडियस अगर सी है तो, यहां पर एक ऐसा सर्किल बनाए जो इन तीनों को टच करे, यहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा सर्किल बनाया जो इन तीनों को टच करे और उसकी रेडियस अगर सी है तो ध्यान रखना जो रिजल्ट होता है वन अपॉन रूट सी बराबर, अपने पास रिजल्ट होगा वन अपॉन रूट सी बराबर वन अपॉन रूट ए प्लस वन अपॉन रूट बी, और मैं कई जगह काम में लूंगा जब मेंशुरेशन पढ़ाऊंगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये यहाँ पर सेमी सर्कल जो इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इनको टच करे तो अपने पास वन अपॉन रूट सी बराबर वन अपॉन रूट ए प्लस वन अपॉन रूट भी होता है, और इसको मैं काफ़ी जगह काम में लूँगा जब मेंशुरेशन पढ़ाऊँगा, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। आपको याद होगा कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच करें, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ टू रूट आर वन आर टू में बता चुका हूँ, ये आप लोगों को सभी को याद होगा। ये आया कैसे वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ये मैंने पहले ही बता दिया पिछले वीडियो में, उससे पिछले में मैंने बता दिया होगा कि अपने पास दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो अपने पास होती है टू रूट आर वन आर टू, ये मैंने बता दिया था। तो अब ध्यान देना बोर्ड पर सभी लोग, यहाँ पर इस प्रकार से अगर अपने पास है यहाँ से यहाँ तक के डायरेक्ट ये दोनों सर्किल टच कर रहे हैं, देखो ये दोनों ब्लैक वाले सर्किल टच कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट P से Q तक की डिस्टेंस ये होगी टू रूट ए बी। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ मैं आपको समझा चुका हूँ टू रूट ए बी होगा, रेडियस आर वन आर टू की जगह ए और बी दे दिया। मुझे ये बताइए क्या ये दोनों सर्किल भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी जो टच कर रहे हैं क्या वो टू रूट ए सी होनी है क्या? हाँ होगी। मैं जब भी आपसे पूछूं होगी क्या तो आपको हाँ ना बताना है, दो सर्किल टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक टू रूट ए सी, और अगर दो सर्किल इधर वाले भी ये दोनों भी टच कर रहे हैं बी और सी टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी टू रूट बी सी। और मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या टोटल टू रूट ए बी के बराबर आना चाहिए? तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए आप लोग, टू रूट ए बी के बराबर कौन कौन आना चाहिए, टू रूट ए सी प्लस टू रूट बी सी, ये अपने पास इसके बराबर आना चाहिए। कॉमन लेकर सभी जगह से दो कट जाएगा और सभी को आप लोग डिवाइड कर दीजिए रूट ए बी सी से। यहाँ रूट ए बी सी का अगर आप लोगों ने भाग दे दिया तो अपने पास बचेगा वन अपॉन रूट सी, यहाँ रूट ए बी सी का भाग दे दिया तो वन अपॉन रूट बी बचेगा, और यहाँ रूट अपने पास ए बी सी का भाग दोगे तो वन अपॉन रूट ए बचेगा, और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि अपने पास आंसर आ गया।
तो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जब मैं आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। वहाँ वैसे तो मैं वापस भी बताऊंगा, लेकिन इसमें यहाँ पर सर्किल बना दिया जाए, इसके बाद एक सर्किल यहाँ पर बना दिया जाए, इसके बाद एक सर्किल और बना दिया जाए। जब मैं मेंसुरेशन में इस टाइप के क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, इस टाइप के जब क्वेश्चन होंगे उसमें ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, स्क्रीन शॉट आप लोग लेते रहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना तब आपको लगेगा अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन होगा बड़ा आसान। एक रेक्टेंगल है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस में एक रेक्टेंगल है जिसका ये मान लो 7 है और ये 14 है। एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ इसको सेंटर मानकर एक ऐसे हम लोगों ने यहाँ से टेंजेंट खींच ली, एक इसको सेंटर मानकर हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ से एक इस प्रकार से हम लोगों ने कोण खींच ली, ये 7 और ये 7, ये इसका सेंटर है। यहाँ पर एक सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस बताओ, यहाँ पर एक सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस बताओ। तो जब ध्यान से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन वही है, अगर कंप्लीट सर्किल बना दें तो अभी भी वाला यही क्वेश्चन है। फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इस प्रकार से, लगेगा अजीब जब आप लोग देखोगे, सिर्फ इतना देखोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अजीब लगेगा, आपको लगेगा इसको मैं कैसे सोल्व करूँ, कैसे सोल्व करूँ, कैसे सोल्व करूँ, ऐसे करते रहोगे। बाकी वो हम लोगों से ये भी पूछ सकता है कि इस वाले भाग का जो है वो क्षेत्रफल आप लोग बताइए। तो ये मेंसुरेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तब इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो अभी आप लोग इसको ध्यान रखना, उस टाइम मैं करवाऊंगा, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो कंप्लीट के एरिया में से इसका एरिया और इसकी रेडियस अगर आ गई तो सर्किल का एरिया माइनस कर लेंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को उस टाइम सिखाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग समझिए, अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2017 मेंस में इससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, पॉइंट नहीं है वैसे, आप लोग ध्यान रखना कि दो सर्किल अगर एक दूसरे को ए पर टच करें, अगर दो सर्किल एक पॉइंट ए पर टच करें और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसके पी क्यू, तो ध्यान रखना पी ए क्यू बराबर 90 डिग्री होता है। क्यों पी ए क्यू बराबर 90 डिग्री क्यों बताइए आप लोग? देखो मैं समझाता हूँ, जब भी मैं पूछूँ आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों होता है। चाहे वीडियो पॉज करके आप लोग 2 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड सोच लीजिए, लेकिन आपको सोचना 100% है अगर आपको ज्योमेट्री सीखनी है तो। मेरा पढ़ाने का हमेशा तरीका यही होता है, मैं हमेशा इसी स्टाइल से मैं पढ़ाता हूँ कि आप लोग पहले सोचो, अगर जो चीज़ आप लोग सोचोगे आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर उस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पाए और मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमेशा सोचा करो। देखो एकदम आसान है, ये पॉइंट ए पर टच कर रहे हैं दोनों सर्किल, तो आप लोग एक काम करो यहाँ से इसको मिला दो और ये पॉइंट मान लो आर। अगर आपको याद हो तो ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है इधर वाले सर्किल में, ए इधर वाले सर्किल की बात करें तो ए की जगह से डालेगी दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर। और ट्राइंगल के अगर वीडियोज़ आप लोगों ने देखे हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग इस वीडियो को अगर अचानक बीच में देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा क्या अजीब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आपने फर्स्ट वीडियो मेरा देखा है और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच वीडियो अगर लगातार देख लोगे तो फिर इसकी आदत हो जाएगी आप लोगों को, ये सारे वीडियोज़ आप देखोगे आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि आपके बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जब सारे वीडियोज़ देख लोगे तो ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको कि आप लोगों के ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन वीडियो एक से देखना आप लोग, ये मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए मैंने आप लोगों को समझाया ट्रायंगल पढ़ाते टाइम, मैंने बताया था ये अगर मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है तो ये कोण हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये और ये बराबर अगर हैं तो यहां पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री। क्या समझ पाएगा? तो ये बात ध्यान रखना क्यों होता है, ये सारी ट्रायंगल में चीजें मैं बता चुका हूं, तो पहले वाले वीडियोज आपको कंप्लीट देखने हैं, याद रखना आप। देखो कोशिश करना सीखने की, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी लोग समझना, इस प्रकार से अगर कभी भी हो,
इस प्रकार से अगर कभी भी हो, और ये अगला पॉइंट समझाता हूँ मैं, पहले इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट समझ लो, फिर ये अगला पॉइंट समझाता हूँ, और 2017 मेंस में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको दो क्वेश्चन करवाता हूँ इससे रिलेटेड। वो क्वेश्चन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता था, आधे सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं, आप लोग खुद देखना, और अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये मैं पढ़ाते टाइम इन पर बेस्ड जो एसएससी ने क्वेश्चन पूछे वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी जब आप लोग थ्योरी के बाद क्वेश्चन देखोगे तो वो किस स्टैंडर्ड के होंगे वो आप लोग चेक करना, आपको खुद को पता लगेगा कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है क्या। देखिए इस प्रकार से यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, एक सर्किल है जो दूसरा सर्किल इसको ए तथा बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों की रेडियस सेम नहीं है, इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यहां से यहां तक है पी क्यू, और इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है यहाँ से यहाँ तक आर एस। जो शुरुआत में मैंने वीडियोस डाले थे कुछ, उसमें पॉइंट मैंने समझाया था, लेकिन शुरुआत के वीडियोस अगर आपने एक नंबर लेसन से देखने की शुरुआत की है तो फिर आप लोग एक बार वापस देख लो। अगर कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत में मैंने डाल दिया था कुछ, जब तीन चार मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ डाले थे उसमें ये डाल चुका हूँ मैं, वापस समझना है तो मेरे साथ बने रहो, अगर वापस आपको नहीं समझना तो वीडियो को यहाँ से एक मिनट आगे आप लोग कर सकते हो, एक मिनट आगे कर लो, फॉरवर्ड कर लो, ये अगर पहले समझ चुके हो, तो नहीं समझा तो मेरे साथ बने रहो। देखो ए व बी को बढ़ाने पर अपने पास इस प्रकार से है, अगर ए बी को दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए, ए बी को अगर दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, दोनों तरफ बढ़ाने पर ध्यान रखना अपने पास पी क्यू स्क्वायर बराबर, याद क्या रखना आप लोगों को, याद ये रखना है पी क्यू स्क्वायर बराबर अपने पास होता है एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यह आपको पता होना चाहिए, और 2017 मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, 16 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पी क्यू स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर होता है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखना। कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ, ये इसका सेंटर मान लो ओवन है, इसका सेंटर यहाँ पर ओवन है, और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और परपेंडिकुलर आकर मिलता है टी पर, ये पॉइंट को नाम दे दो आप लोग टी, इस पॉइंट को टी नाम दे दिया। यहाँ से आप लोग एक काम कीजिए, इसको इससे मिला दो तो ये आर, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और इसको अगर इससे मिला दें तो मुझे ये बताइए, इसको इससे मिला दिया तो साथ साथ आप लोग देखते रहना, मुझे बताओ सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ओवन स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं ओवन स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर, ट्रायंगल ओवन पी अक्ष में 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो ओवन स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओवन अक्ष स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस ये, आपका ये कोण भी 90 डिग्री है तो दूसरा हम लोग ओवन अक्ष स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ओवन अक्ष स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इधर से ओवन टी स्क्वायर प्लस टी अक्ष स्क्वायर, ओवन टी स्क्वायर प्लस टी अक्ष स्क्वायर, ओवन टी स्क्वायर प्लस टी अक्ष स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान दो, मुझे ये बताइए, आप लोग इधर देखिए, यहाँ पर अपने पास ये जो है ओवन टी की जगह, कोशिश करना समझने की, इतना डायग्राम मैं बना चुका हूँ आगे आपको समझ में आएगा, कोशिश कीजिए अगर मैं यहाँ से इसको मिला दूँ तो ये भी अपने पास रेडियस आर है, और ओवन टी स्क्वायर 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये भी आर स्क्वायर, ओवन टी स्क्वायर ट्रायंगल ओवन ओवन टी ए में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ओवन टी स्क्वायर बराबर, ओवन टी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, ओवन टी स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, तो आप लोग यहां पर ओवन टी स्क्वायर की जगह इक्वेशन सेकंड में, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इधर इक्वेशन सेकंड में इस वाले में ओवन अक्स स्क्वायर बराबर इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर प्लस टी अक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट भी ओवन अक्स स्क्वायर की वैल्यू है, दूसरी भी ओवन अक्स टू स्क्वायर ओवन अक्स स्क्वायर की वैल्यू है। इक्वेशन सेकंड, आप लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख दीजिए तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस पी अक्स स्क्वायर बराबर अपने पास आर स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर प्लस टी अक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया है, और ध्यान रखना ए टी का जो मान है ए से टी तक की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी ए बी बाई टू,
ध्यान रखना अक्ष से वाई का जो मान होगा, अक्ष से टी तक की जो वैल्यू होगी, अक्ष से टी तक की जो वैल्यू होगी वो अक्ष वाई बाई टू होगा, और अपने पास पी से अक्ष तक की जो वैल्यू होगी वो पी क्यू बाई टू होगा। ये सारी चीज़ें क्यों होंगी वो मैं अभी समझा रहा हूँ, एक बार सिर्फ इसको आप लोग याद कर लीजिए, एक बार याद कर लो। तो हम लोग पी एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग इसका स्क्वायर करोगे तो पी क्यू स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं, ए टी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर करोगे तो ए बी स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं, और टी एक्स की जगह हम लोग अक्स स्क्वायर बाई फोर लिख सकते हैं। ये चार से चार कट जाएगा और पी क्यू स्क्वायर बराबर अक्स वाई स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन जो आया था उसमें हम लोगों को कहा था अक्स वाई की वैल्यू अगर पाँच है और ए बी की वैल्यू अगर तीन है देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताइए। तो पाँच के स्क्वायर में से तीन का स्क्वायर आप लोग माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा चार का स्क्वायर। आप लोगों को मैं ये तो समझा रहा हूँ, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये पॉइंट हम लोगों ने कैसे लिख दिए ये मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि वापस जब देखोगे तो ये चीज़ें आपको ताकि समझ में आए। अगर आप लोग नहीं लिख पाए हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओ, अच्छे से कर पाओ। अब मैं इसको मिटाकर ये समझाता हूँ कि ये वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू कैसे लिख लिया हम लोगों ने। देखो पी क्यू स्क्वायर बराबर अपने पास आया है, ये वाला जो क्वेश्चन है पाँच और तीन, इसको आप लोग अलग तरीके से भी कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन आया उसके अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान था तो आप लोग इसको थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे, बाकी तरीके अलग अलग हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं बता दूंगा। अभी मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपकी थ्योरी कंप्लीट करवाना। देखिए अपने पास पी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आई, पी क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आई है यहाँ से यहाँ तक पी क्यू स्क्वायर, उससे ऊपर पी एक्स स्क्वायर का जो मान आया है, पी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, ध्यान देना पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आई है टी एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, टी एक्स स्क्वायर टी से एक्स स्क्वायर यहां से यहां तक टी से एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। ऐसे ये जो काम इधर वाले ट्रायंगल में किया ना दो इक्वेशन बनाकर, यही काम आप लोग इधर वाले ट्रायंगल में करो और यहां से यहां तक की आप लोग एक्स क्यू का मान निकालो। ये सेम यहां से यहां तक को मिला दो, ये अपने पास आर मान लो, ये ओ टू हम लोग लिखेंगे ओ टू एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स क्यू स्क्वायर। ऐसे उधर से ये वाला फॉर्मूला बनाएंगे इस प्रकार से, ये वाला कि एक्स क्यू ओ टू एक्स स्क्वायर बराबर ओ टू टी स्क्वायर प्लस टी एक्स स्क्वायर, और ओ टू टी की जगह वही आप लोग लिखना आर स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, वही लिखना। ऐसे ही प्रूव करोगे तो ध्यान रखना एक्स क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा टी एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर। इतना आपको मैंने समझाया, इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये चीज़ आप लोग निकाल लोगे। तो पी एक्स स्क्वायर भी बराबर भी यही है, एक्स क्यू स्क्वायर बराबर भी यही है, इसका मतलब दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो क्या पी एक्स बराबर एक्स क्यू होगा क्या? पहला पॉइंट कैसे आया कि अपने पास पी एक्स बराबर पी क्यू बाई टू कैसे आया, क्या समझ पाए हो गया? क्योंकि इधर से एक्स क्यू निकालोगे वही आएगा, इधर से पी एक्स निकालोगे वही आएगा, और दोनों चीज़ें अगर बराबर हैं तो दोनों बराबर होंगे। एक्स यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा तो ये इसके बराबर कैसे हुआ, ये अपने पास आ गया है। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों बराबर कैसे हुए ये मैंने समझा दिया है। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि किसी भी सर्किल में अगर कोड वाली चीज़ें आपने ध्यान से देखी हैं, मैंने कहा है ये वीडियो देखने से पहले एक से शुरुआत करो और एक दिन में दो से ज़्यादा वीडियो मत देखना, एक दिन में ख़त्म मत कर देना ज्योमेट्री की। मेरे जो 30-32 वीडियोज़ अगर कम्प्लीट हैं थ्योरी के, वो आप लोग कहीं एक दिन में ही कम्प्लीट कर दो तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी एक इतना भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि कोड पर परपेंडिकुलर डालते ही हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है, क्यों मिलता है ये चीज़ें भी मैं कोड वाले परसों या उससे पहले वाले वीडियो में आपने सीखी होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक अगर इस पर परपेंडिकुलर डालें तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलेगा, तो मिड पॉइंट पर अगर मिलेगा तो अपने पास ये अपने पास ए टी बराबर ए बी बाई टू, ये एक्स वाई बराबर अपने पास ये जो बचा एक्स टी बराबर अपने पास होगा एक्स वाई बाई टू। अब कुछ चीज़ें तो आपको खुद को भी करनी चाहिए, इतनी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, एक पॉइंट अपने आप करने की कोशिश करना, कोशिश करोगे 100% आपसे हो जाना है, क्योंकि मैं थ्योरी इसी टाइप से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, नहीं हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, इतना आ जाए बहुत है आपको। अगला पॉइंट समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना।
कोशिश करना सीखने की और इधर ध्यान देना आप लोग, ये वाला पॉइंट समझ लीजिए। देखो, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सभी लोग बने रहना और ये पॉइंट समझना। कभी भी अगर अपने पास दो, ये जरूरी नहीं इधर वाली लाइन खींचे, इसमें अपने पास एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है और एक सर्किल अपने पास और है, तीन सर्किल अगर बना दिए जाएँ, मैं समझा रहा हूँ, 3, 5, 7 कितने भी सर्किल बना दिए जाएँ, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना। ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि अगर एक इसमें कोण में अगर एक यहाँ पर, 2, 3, 4 और इस प्रकार से 5 गोले रख दिए जाएं, 5 स्फेयर रख दिए जाएं, दोनों क्वेश्चंस की थ्योरी सेम होगी, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है। पहले आप लोग समझना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, जल्दी अप्रोच कैसे लगा सकते हो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप लोग इसकी थ्योरी समझिए, फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी रेडियस अगर अपने पास R1 है, इसकी रेडियस अगर R1 है, इसकी रेडियस अगर R2 है और इसकी रेडियस अगर R3 है, तो ध्यान रखना रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, और एक ही लाइन पर अगर तीन लाइन परपेंडिकुलर है तो वो तीनों पैरेलल होती हैं। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी 2√R1R2। दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी 2R2R3। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको जब लाइन और एंगल वाला जो पॉइंट डाला था ना, लाइन और एंगल जब मैंने आप लोगों को समझाया था, लाइन और एंगल में मैंने कहा था PQ अपॉन इस प्रकार से PQR, ये तीनों लाइन अगर पैरेलल हैं और STU अगर है तो ध्यान रखना PQ अपॉन QR बराबर होता है ST अपॉन TU के। PQ अपॉन QR, ST अपॉन TU के अगर तीनों लाइन पैरेलल हैं तो ये तीनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है ये तो ये है, ये दूरी ये है, ये जो दूरी होगी वो बताओ कितनी होगी, बताओ आप लोग फटाफट बताओ, ये वाली दूरी होगी R1 + R2 और आगे वाली दूरी होगी R2 + R3। तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये हम लोग लिख सकते हैं। इस ये वाला पॉइंट क्यों होता है ये भी मैंने समझाया था, लाइन और एंगल मैंने कहा है कि ये वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ आप लोग पहले वाले वीडियोज़ देखिए। मैंने आपको कम से कम इससे पहले 25, 26 या 27 जितने भी वीडियोस में डाल चुका हूँ, नंबर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन जितने भी वीडियोस मैंने डाले हैं उनको आप लोग देखिए, जिससे आपको ज़्यादा पॉइंट समझ में आएंगे। देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं R1 + R2 अपॉन R2 + R3 बराबर ये अपॉन ये बराबर ये, इसको लिख सकते हैं R1 R2, 2 से तो 2 कट जाएगा, अपॉन R2 R3। देखो R2 से R2 भी कट जाएगा तो यहाँ पर रूट में बचेगा R1, यहाँ पर रूट में बचेगा R3 और इसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। थोड़ा इधर से शुरुआत करता हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो R1² + R2² + 2R1R2, इसका स्क्वायर करोगे तो R2² + R3² + 2R2R3 बराबर, यहाँ R1 का रूट है R1 का तो ये बचेगा और यहाँ पर बचेगा R3। आप लोग एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा R1² R3, ये आ जाएगा R2² R3, ये 2R1 R2 R3, याद रखना मैं लिख नहीं रहा हूँ, 2R1 R2 R3, ये इधर आ जाएगा R1 R2² ये आ जाएगा R1 R3². और मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर भी इंटू करोगे तो 2R1 R2 R3, ये भी 2R1 R2 R3 कट जाएगा इस स्टेप में, इसलिए मैंने वो स्टेप लिखी नहीं है। इसको इधर लाओगे आप लोग तो यहाँ से अगर हम लोग R1 R3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा अपने पास यहाँ से तो R1 और यहाँ से R3, इन दोनों से, यहाँ से और यहाँ से,
इसको उधर लेकर हम लोग आर टू स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो बचेगा आर वन माइनस आर थ्री, और आर वन माइनस आर थ्री से आर वन माइनस आर थ्री कट गया और आर टू स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास आर वन इंटू आर थ्री। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना तीन अगर दोनों तरफ टेंजेंट टच करें तो आर टू बराबर होता है रूट के अंदर आर वन इंटू आर थ्री। दो क्वेश्चन आए थे और ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हुआ और रहता तो आपका ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, दोनों क्वेश्चन आधे आधे सेकंड का भी नहीं है, आप लोगों को खुद चेक करना। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, फिर वो जो पांच आ जाए वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, एक पॉइंट इसमें ये याद रखना आप लोग, इसका जो एक पॉइंट है वो वाला ये याद रखना आप लोग कि ध्यान रखना इस प्रकार से कितने भी सर्कल बन जाएं, कितने भी सर्कल बन जाएं, याद रखना अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू बराबर होगी हमेशा और हमेशा आर टू अपॉन आर वन, हमेशा बराबर होगा के अपने पास बराबर होगा हमेशा आर टू अपॉन आर थ्री, के बराबर होगा हमेशा, ये बराबर होते हैं इनकी कॉन्स्टेंट वैल्यू। ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोग याद रखना। अगर हम लोग यहाँ से इन दोनों को अगर बराबर रख दें के का मान, या हम लोग R2 का मान यहाँ पर पुट कर दें, मुझे ये बताइए R2 की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देख रहे हैं, के बराबर R2 की जगह आप लोग लिख सकते हो के R3, R2 की जगह आप लोग यहाँ पर अपने पास R2 अपॉन R1, R3 अपॉन R2, है ना, इस प्रकार से, या तो ऊपर भी वैसे ही कॉन्स्टेंट लो या उल्टा इस प्रकार से, चार बटे तीन और पाँच बटे चार इस प्रकार से। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि R2 की वैल्यू यहाँ से आप लोग जो R2 की वैल्यू है यहाँ से क्या आएगी अपने पास, R2 की वैल्यू R3 अपॉन K R1, तो यहाँ से K स्क्वायर बराबर बन गया R3 अपॉन R1, या K क्यूब बराबर यहाँ से बन जाएगा R4 अपॉन R1, या K4 बराबर बन जाएगा यहाँ से जब सोल्व करोगे R4 अपॉन R1। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू K का मान हमेशा बराबर होता है और ऐसे क्यूब होता जाता है, ये आप लोग एक बार याद कर लीजिए, इसको आप लोग रट लीजिए, याद करो इस चीज़ को, है ना, एक बार याद करो, मेंचुरेशन में मैं समझाऊंगा क्यों हो रहा है, एक बार इस चीज़ को याद कीजिए। तो यहाँ से अगर पहले और दूसरे की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों को बराबर अगर रख दें तो मुझे बताइए आर टू अपॉन आर वन बराबर आर थ्री अपॉन आर टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R2 स्क्वायर बराबर R1 R3 वही आ जाएगा जो हमें चाहिए, या यहां से आप लोग इन चीजों को दोनों से K को डिलीट करना है तो इन दोनों को हम लोगों को साथ रखना है तो यहां पर ये अपने पास डायरेक्ट आ गया। ये फायदा कहां मिलेगा, जैसे एक छोटा सा आसान सा, ध्यान रखना है सर्किल में भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों तरफ टेंजेंट देकर, और ये क्वेश्चन कोन में भी बन सकते हैं, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आया, और मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले साल जो मेंस के मेरे स्टूडेंट हैं उनको याद होगा, जब मैं मेंस पढ़ा रहा था अपने ऑफलाइन में उस टाइम ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, और ये इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट उस टाइम बताया था, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ रहता तो आप लोग आसानी से कर पाते। जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा जो पिछले साल मेंस दिया है, और देखिए पिछले साल मेंस में आपको मैंने ऐसा क्वेश्चन एक करवाया होगा अगर आपको याद है तो। यहाँ पर अपने पास जब एक 195 प्लस स्कोर के लिए मैंने एक सीरीज चलाई थी, स्कोर होगा जिसका 195 प्लस, उसमें प्रत्येक में पहले चार पेपर हुए थे 50-50 क्वेश्चन के एडवांस मैथ्स के, फिर एक दो पेपर लेता था मैं मंडे ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे, चार दिन 50-50 क्वेश्चंस के पेपर लेता था, फिर एक फ्राइडे और सैटरडे को पेपर लेता था 100-100 क्वेश्चंस के, ऐसे एक वीक में छः पेपर, अगले वीक में फिर से छः पेपर, ऐसे ये आठ सीरीज आई थी आठ वीक की। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन ये करवाया था अपने पास इस प्रकार से, अगर इसके अंदर एक कोन है जिसके अंदर पाँच गोले रख दिए जाएँ, तो ये इसी पर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर पांच गोले अगर रख दिए जाएं जो इसको टच अगर करें, पहले वाले की रेडियस यहां से यहां तक 16 है और लास्ट वाले की रेडियस अगर आपको याद हो 81 है, और मैंने कहा था तीसरे वाले की रेडियस बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का समझा हुआ है तो ध्यान रखना अपने पास ये R5 है ये R1 है, तो हम लोग लिखेंगे K की पावर 4 बराबर R5 अपॉन R1 पहला, दूसरा हम लोग लिखेंगे K स्क्वायर बराबर R3 अपॉन R1। ध्यान रखना ये कांस्टेंट हमेशा बराबर होता है K के बराबर होता है, K बराबर R2 अपॉन R1, या K स्क्वायर बराबर R3 अपॉन R1, या K क्यूब बराबर R4, अगर जो भी रेडियस हमें चाहिए K की पावर 4 बराबर R की पावर 5 R4 अपॉन R1,
ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, R5 की वैल्यू अपने पास 81 है, रेडियस R1 R2 R3 क्या है, ये रेडियस है, इसकी वैल्यू अपने पास जो है वो 5 है, ये मैं मिटा देता हूँ ना, थोड़ी देर पहले भी लिखवा दिया तो ये मैं मिटा देता हूँ। k की पावर 4 बराबर 81 अपॉन 16, तो k का मान आ जाएगा 3/2। अब अगर R3 पूछा है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, R2 पूछता तो हम लोग लिखते k R2 अपॉन R1, अगर हम लोगों से पूछता कि R4 तो k का क्यूब बराबर R4 अपॉन R1। अब यहाँ से k का मान अपने पास है, R1 का मान है, R2 पूछे, R3 पूछे, R4 पूछे, कुछ भी पूछे, हम लोग सोल्व कर लेंगे। जैसे ये पूछा है इसमें, तो हम लोग लिखेंगे इसका स्क्वायर 9/4, आर थ्री तो पूछा है और ये आर वन अपने पास है 16, चार से चार बार, तो आर थ्री की वैल्यू आ गई 36। तो ऐसे में सात भी दे सकता है, आठ भी दे सकता है, कितने भी दे सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। जैसे दो क्वेश्चन एसएससी ने पूछे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, एसएससी के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चंस, कैसे मिलेंगे क्या मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो बनाकर कंप्लीट, क्योंकि अभी इसमें हम लोग बातें नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे कि कहाँ से कैसे नोट्स मिलेंगे आपको, बाद में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से है कि यहाँ से देखिए अपने पास क्वेश्चन ये है, कहाँ गया ये रहा, इस प्रकार से है अपने पास ये C1 C2 C3, एक तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है और इसकी रेडियस R3 है, तो R2 बराबर आप लोग बताइए, तो R2 बराबर अपने पास इस प्रकार से ऑप्शन है R1 R3, R1 प्लस R3, एक ऑप्शन है 2R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, और एक ऑप्शन है अपने पास इस प्रकार से R1 प्लस R3 अपॉन 2। तो ध्यान रखना R2 की वैल्यू अपने पास ये होगी R1 प्लस R3। एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये अपने पास 9 दिया हुआ है, ये अपने पास 4 दिया हुआ है, तो आप लोग इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू 9 गुना 4 36 का रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 6। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए हैं, आए हुए क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों को सारे कंप्लीट सोल्व करवाने वाला हूँ, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है तो आप लोग इसको देख लीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने पास। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें और भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्वेश्चंस की अब प्रैक्टिस तो शुरुआत करेंगे ही, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा पॉलीगन्स के बारे में, बहुभुज के बारे में, और वो कंप्लीट होने के बाद, वो आसानी है, वो कंप्लीट होने के बाद फिर क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज शुरुआत करने वाला हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो काफ़ी स्टैंडर्ड के होंगे वो आपको मैं सोल्व करवाने वाला हूं। एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस भी उसमें कुछ हम लोग सोल्व करेंगे जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बाकी तो एसएससी में क्वेश्चंस 16 से 17 से पहले तो आसान ही आए हुए हैं, आप लोग खुद देखना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल शाम को पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को शेयर तो करते रहिए और लाइक और कमेंट तो आपको करना ही करना है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी अगली क्लास में कल शाम को 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।